अच्छा व्यूवर्स, आप लोगों को जैसे पता है हम पैनल्स के अंदर तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन बेसिकली वी स्टार्ट फ्रॉम जनरेटर्स। ये मैकेनिकल एनर्जी से हमने स्टार्ट किया था और जनरेटर्स बहरहाल कोई सी भी, पहले यूपीएस आ गए थे बीच में, सबसे पहले जनरेटर आए, फिर यूपीएस आए, फिर जनरेटर्स आ गए, फिर अब दोबारा सोलर्स आ गए, और मैं आई एम डैम श्योर फिर दोबारा जो है वो जनरेटर्स अपनी जगह दोबारा बना लेंगे। मैं कंपैरिजन करता हूं, दैट इज माय ओन कंपैरिजन। मैं ये बोलता हूं यू आर डिपेंडेंट इन सोलर्स, यू आर डिपेंडेंट किसके, सूरज के। है तो काम करेगा, वेदर गर्म है तो काम करेगा। वेयर एज अगर हम जाते हैं इस मशीन पे तो दिस इज योर डिपेंडेंट। आपने इसको गैस देनी है, रात को 4 भी बज रहे होंगे ये बिजली देगा। आपने इसको पेट्रोल दे दिया, रात को 2 भी बज रहे होंगे, अब चाबी मारेंगे स्टार्ट हो जाएगा, आप अपनी बिजली ले सकते हैं। हर किसी का अपना व्यू है। मैं पहले व्यूवर्स आप लोगों को बता दूं, ये आई थॉट, दिस इज माय व्यूज। आप लोग एग्री करें ना करें आपकी मर्जी है, एक छोटा सा लॉजिक है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। वी बेसिकली डील इन टू बिग ब्रांड्स ऑफ चाइना। एक तो इंटरनेशनल ब्रांड है विच इज होंडा, एंड द नेक्स्ट वन इज एंजल। एंजल टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड है चाइना का। हुंडई भी चाइना से आ रहा है, कोरियन ब्रांड है लेकिन इंटरनेशनल नाम है, हर कोई बहुत अच्छे से जानता है। एंजल भी बहुत पॉपुलर ब्रांड है। आज मैं एंजल के बारे में, हुंडई के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ, इनकी प्राइसेस, सेल आफ्टर सर्विस, डिलीवरीज, सीओडी बेसिस, एक्स वाई जेड, जो भी डिटेल्स मेरे पास है आज मैं अपने व्यूवर्स से शेयर करता हूँ। अच्छा व्यूवर्स ये देख लें, ये वो सबसे पहला जनरेटर है और ये उन लोगों के लिए है जो फ्लैट्स के अंदर रहते हैं। ये 1 किलोवाट या 1.5 केवीए का जनरेटर कहलाता है। बहुत ही छोटा सा है, ऑलमोस्ट 26 केजीज का है। इसका साउंड का लेवल बहुत कम है, प्लस इसका ऑपरेशंस मैं आपको बता दूं, दिस इज बटन स्टार्ट। ये बटन स्टार्ट भी है, इसके साइड में रोप है, ये मैनुअली भी स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर सर्किट ब्रेकर्स भी लगे हुए हैं, ये ऑयल अलर्ट इंजन भी है, 100% कॉपर वाइंडिंग में है। इसकी अपनी बिल्ट इन बैटरी है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसी बैटरी से ये स्टार्ट होता है। चलाता क्या है, आप इजीली 4-5 पंखे, 8-10 सेवर, ऑन गैस ऑन पेट्रोल इस मशीन से एट एनी टाइम ऑफ द डे आप इससे ले सकते हैं। आपको देना क्या है, इसको पेट्रोल दे दें या गैस दे दें, दोनों में से जौन सी चीज देंगे इट स्टार्ट्स और ये अपना काम करना शुरू कर देगा। ऑयल इसकी जान है, ब्लड है, जनरेटर का ब्लड इज ऑयल। अच्छा ब्रांडेड ऑयल डालें, हर चलने वाले 50 घंटे पे चेंज करते रहें, रब केयर करेंगे, ये मशीन आपको धोखा कभी भी नहीं देंगी। हम इस जनरेटर 1.5 केवीए की, 1 किलोवाट की अगर प्राइस की बात करें तो आज इसकी प्राइस 70,000 है, 70,000 रुपए का ये आपको जनरेटर मिलता है, इन विच आपको डिलीवरी फ्री ऑल ओवर पाकिस्तान। इस 70,000 रुपए में आपको पूरे पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी फ्री मिलती है। आप पाकिस्तान के किसी शहर में भी बैठे हुए हैं, वहां पे थ्रू डाइवो और थ्रू लैपट कोरियर हम इसको आपको डिलीवर करवाएंगे, पैसे आपसे वही 70,000 लेंगे। आप कराची में हैं, आपको सीओडी बेसिस मिलता है, आप अपने घर से बैठ के बुक करवाएं, अपना एड्रेस दें, नुमाइंदा लेके घर पे पहुंचेगा, पेमेंट भी उधर करें एंड डिलीवरी इज फ्री। अच्छा इसकी वारंटी वगैरह के हवाले से, वारंटीज हमारी स्टैंडर्ड जो एंजल ने वारंटीज दी हुई है, दैट इज 1 ईयर कंप्लीट इंजन स्पेयर पार्ट्स रिप्लेसमेंट रिपेयर, 1 ईयर सर्विस वारंटी। इट अप्लाइज ऑन ऑल मॉडल्स, बट ब्रैकेट में लिखा है कंडीशन अप्लाई। तो कुछ ऐसे हैं जिन पे है और कुछ ऐसे हैं जिन पे नहीं भी है, लेकिन स्टैंडर्ड ब्रांड वारंटी इज 1 ईयर कंप्लीट इंजन एंड 1 ईयर सर्विस वारंटी। रेंज की बात करें तो 1 किलोवाट के बाद 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8 किलोवाट तक के सारे जनरेटर हमारे पास अवेलेबल हैं एंजल ब्रांड के अंदर। और जिसने 1 टन का स्प्लिट चलाना है, किसी ने 1.5 टन का स्प्लिट चलाना है, 2 स्प्लिट 1.5 टन के चलाने हैं, उनके साथ फ्रिज भी चलाना है, वी हैव ईच एंड एवरीथिंग। फर्दर मैं आपको डिटेल्स उसके बारे में आगे चल के देता हूं। अच्छा जी व्यूवर्स, 1.5 वाला, 1 किलोवाट वाला तो आप लोगों ने जनरेटर देख लिया। इसके बाद ये जो ये मॉडल है, दैट इज 3900 AG3900 यूरो 5 सीरीज के बिल्ट इन गैस इंजन है। यही सबसे बड़ी, ये दिस इज द थिंग, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से दिस ब्रांड इज वेरी मच पॉपुलर। ये लो गैस प्रेशर के ऊपर भी बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, प्लस गैस इंजन होने की वजह से
फ्यूल एफिशिएंट हैं, लाइक पेट्रोल की कंजम्पशन बहुत कम होती है इनकी एज कंपेयर टू दूसरे ब्रांड जो प्योरली ऑन पेट्रोल होते हैं एंड ट्रांसफर टू गैस होते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यूरो 5 की बिल्ट इन गैस इंजन है, पूरे इंजन की 1 साल स्पेयर पार्ट्स गारंटी है, 100% कॉपर वाइंडिंग है, बोल्ड फ्रीक्वेंसी टाइमर मीटर इसमें लगा हुआ है, सर्किट ब्रेकर भी है इसमें, बैटरी भी ये आपको बड़ी वाली मिलती है, गैस्केट ऑयल के साथ होता है। प्राइस की अगर व्यूवर्स बात करें तो इट कॉस्ट यू 1,20,000, आज इसकी प्राइस है 1,20,000। 3 KVA मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं, आई सेड इट इज 2.5 किलोवाट जनरेटर, ये 2.5 किलोवाट का जनरेटर है और चलाएगा क्या, 5 पंखे, 10 सेवर, 1 TV, 1 फ्रिज आप इजीली ऑन गैस ऑन पेट्रोल इस मशीन से ले सकते हैं एट एनी टाइम। बाद में फर्दर मैं आपको दूसरे और इसके मॉडल्स दिखा देता हूं। 3.9 के बाद हमारे पास एक मॉडल है 4.2 विच इज 3 किलोवाट, ये व्यूवर्स देख सकते हैं, ये 4200 मॉडल है विच इज 3 किलोवाट का जनरेटर, एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी, सेम वही सारी एक्सपेक्ट्स, चलाना वही चलाएगा जो 2.5 वाला चलाएगा। फर्क क्या आएगा, फर्क ये आएगा कि इंजन के ऊपर लोड कम होगा, 500 वॉट ऐसे ही एक्स्ट्रा आपने इंजन पे छोड़ दिया तो इंजन की लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। 5 के बाद इसमें हमारे पास 6, 7, 8, 9 भी हैं, लेकिन ये आई होप ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा, मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट करता हूं। एंजल अपने इन जनरेटर्स के साथ कैनोपीज के अंदर भी काम करता है विच आर कॉल्ड साउंडलेस कैनोपीज। तो व्यूवर्स जिस तरह आप लोगों को बताया एंजल के बारे में फुल आपको डिटेल्स दे दी हैं, इसी तरह जो नेक्स्ट बहुत पॉपुलर ब्रांड है प्लस इंटरनेशनल ब्रांड है दैट इज हुंडई, और अब मैं आप लोगों को हुंडई के यूनिट्स की तरफ लेके जाता हूँ और उसकी फर्दर डिटेल्स के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा व्यूवर्स, हम हुंडई के सेक्शन में आ चुके हैं और अब मैं आपको हुंडई के बारे में बताता हूँ। हुंडई बेसिकली लिमिटेड जनरेटर्स में काम करता है विच स्टार्ट फ्रॉम 2 किलोवाट टिल 8 किलोवाट, बस 2, फिर उसके बाद 2.5, 3, फिर 5, 6 और 8, ये सारे के सारे हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल हैं। इनके ऊपर यानी ओवरव्यू में इनके बारे में और इनकी प्राइसेस के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ये जो व्यूवर्स आप जनरेटर देख रहे हैं दैट इज हुंडई का जनरेटर, किसी नाम का मोहताज नहीं है, इंटरनेशनल ब्रांड है और मजे की बात ये कि इनकी एक जो खासियत है ये SOPs को लाजमी फॉलो करते हैं। ये वो ब्रांड्स हैं जिनके बारे में हमें बोलना नहीं पड़ता कि जी इसकी इतनी लाइफ होगी या इसकी ये वारंटीज गारंटीज, ये स्टैंडर्ड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा जी, अगर इस जनरेटर के बारे में बात की जाए तो दैट इज पुश बटन स्टार्ट सेम, और इसमें VFP सिस्टम भी है, सर्किट ब्रेकर्स भी 2 दिए हुए हैं, आउटपुट के 2 सॉकेट्स हैं। इस कंप्लीट इंजन की 1 साल की स्पेयर पार्ट्स रिप्लेसमेंट रिपेयर एज इट इज जिस तरह एंजल ऑफर करता है हुंडई भी करता है, कॉपर वाइंडिंग में है और बड़ी बैटरी के साथ होता है। इस हुंडई के अंदर भी आपको सेम वही सारी की सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, COD बेसिस ऑल ओवर पाकिस्तान, डिलीवरी फ्री ऑल ओवर पाकिस्तान, और अगर आप कराची में हैं तो वही सेम प्रोसीजर, नुमाइंदा घर पे आएगा, पेमेंट वहीं पे कर दें और अपना जनरेटर भी रिसीव कर लें। अगर हम इस जनरेटर के बाद दूसरे की बात करें तो दैट इज 2.5 किलोवाट और इसकी कॉस्ट आएगी ऑलमोस्ट 150, 2 किलोवाट 1,40, 2.5 किलोवाट 1,50 और 3 किलोवाट 1,60,000। दीज आर द लिस्ट प्राइस इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग, कंप्लीट यूनिट मिलेगा, बैटरी लगी हुई होगी, गैस्केट होगी, ऑयल भी होगा और डिलीवरी भी फ्री होगी। इसके बाद 5, 6 और 8 उनकी भी डिफरेंट प्राइसेस हैं, हमारी वेबसाइट है angel.com.pk। फर्दर अगर आप लोगों को कोई इन दोनों ब्रांड्स के बारे में डिटेल्स चाहिए आप उस पर ले सकते हैं, स्क्रीन के नीचे हमारे नंबर्स भी आ रहे हैं, 24/7 वी आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, आप हमसे उसके बारे में भी डिटेल्स ले सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, ये मशीन है, दिस इज कॉल्ड कैनोपी, दिस इज अ जनरेटर बट इट इज फिक्स्ड इन द बॉक्स, इसको बंद इसलिए किया गया है ताकि इसका साउंड का लेवल जो है वो कंट्रोल्ड हो जाए। अगर आप दिखाएं तो ये मेरे व्यूवर्स, ये इस तरह टॉप लेड ओपन भी होता है और इसके बाद ये फ्रंट लेड ओपन भी होता है ताकि अगर हवा की वेंटिलेशन लॉन्ग रनिंग आवर्स में इजीली हो जाए। इन दोनों चीजों को ओपन करने के बाद भी इसका साउंड का लेवल इट इज 70% लेस रादर देन लाइक कंपेयर टू ओपन टाइप, ये 70% लेस साउंड के अंदर होता है। 6 किलोवाट का बिल्ट इन गैस जनरेटर है,
प्राइस की बात करें तो ये दो ये आपको पड़ता है 3,30,000, आई एम सॉरी आज की तारीख में 3,30,000 का ये जनरेटर है। चलाएगा क्या, 1.5 टन का इन्वर्टर, उसके साथ फ्रिज, लाइटें, पंखे, 1.5 टन का सादा, उसके साथ लाइटें, पंखे, बिल्ट इन गैस है, गैस ऑपरेटेड भी है, पेट्रोल पे भी चलता है। वारंटीज गारंटीज की बात करें, 1 साल कंप्लीट ईयर, स्पेयर पार्ट रिप्लेसमेंट रिपेयर, डिलीवरी फ्री। ये जनरेटर 3,30,000 में, इफ यू आर इन गिलगित, अगर आप केपीके में, आप बलोचिस्तान में, 3,30,000 जो कराची वालों की प्राइस है, उसी प्राइस में ऑल ओवर पाकिस्तान आपको फ्री मिलता है विद फ्री डिलीवरी। सिर्फ 3,30 देने हैं और जनरेटर आपके डोर स्टेप पे मौजूद होगा। इसके अलावा फिर हमारे पास, अगर आप बात करेंगे तो फिर हम इंडस्ट्रियल जनरेटर्स की भी बात कर सकते हैं। हमारे पास एंजिल की वैरायटी के अंदर बड़े से बड़ा जनरेटर 50 किलोवाट, विच कम्स टू लाइक 60 KVA, डीजल जनरेटर, इंडस्ट्रियल जनरेटर, वो भी अवेलेबल है। कोर्ट्स के लिए सेम नंबर्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे ऐड करें और हमसे क्वेरी कर सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, ये जो जनरेटर आपको नजर आ रहा है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड डीजल इंडस्ट्रियल जनरेटर, कैनोपी स्टाइल में होता है, साउंड कंट्रोल्ड होती है और ये कुछ इस तरह का होता है। ये अगर दिखा सकते हैं इजीली तो आप देख लें। अच्छा जी, इसके अंदर ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डीप सी मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द जनरेटर, ये जनरेटर का दिमाग है। इसी से ही ये स्टार्ट होगा, इसी से ही ये स्टॉप होगा, और अगर इन केस इस मशीन में कोई ट्रबल शूट आ रहा है तो इसके ऊपर डायरेक्टली इंडिकेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा ये क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा। तो इसकी भी सेल आफ्टर सर्विस हमारे पास कंप्लीट पूरी टीम मौजूद है। अगर किसी ने अपने घर के ऊपर, या कोई हॉस्पिटल है, शादी हॉल है, कोई बैंक है, ये वो आइटम है कि जो इस तरह इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। बड़े जनरेटर्स हैं, डीजल ड्रिवन है, जो लोग डीजल को प्रेफर करते हैं इंडस्ट्रीज, उनके लिए ये सारा आइटम है। कोर्ट्स के लिए सेम फिर वही बात बोलूंगा, व्हाट्सएप पे आए, हमसे कोर्ट मांगे, वी आर हेयर टू असिस्ट यू। और 10 किलोवाट की प्राइस स्टार्ट फ्रॉम 9.5 लाख रुपए। ये एक मैं रफ एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि 10 किलोवाट का डीजल जनरेटर, इधर वो 3 फेस है या वो सिंगल फेस है, इट कॉस्ट यू 9.5 लाख रुपए। 9.5 लाख रुपए का ये 10 किलोवाट का जनरेटर है फॉर डिलीवरीज, दैट इज अ फर्दर, यानी इसके अंदर चीजें बिल्कुल सिनेरियोस चेंज हो जाते हैं। दो जनरेटर्स आर कॉल्ड पोर्टेबल जनरेटर्स, उसके अंदर थोड़ी सी लिफ्टिंग इजी है, उसको कैरी करना इजी है, ये क्रेन्स के थ्रू चलते हैं। तो जब भी कोई बाय करता है तो देन आफ्टर विल गिव हिम द फुल पैकेज कि जी इसके अंदर क्रेन आएगी, उसकी ये कॉस्ट होगी और फिर फर्दर और बाकी चीजें हैं। वो डिटेल्स के लिए यू हैव टू मस्ट कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, हमारे नंबर आर देयर और वी आर हेयर। ठीक है शहजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।